तो डेफिनेटली वैलेंटाइंस डे एक बहुत स्पेशल दिन है जैसा कि बनाया गया है इस दिन को मोहब्बत प्यार इश्क के लिए वैसे तो कोई सा भी दिन हो प्यार के लिए वो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत होता है और जब ये दिन बना दिया गया है तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं मेरे लिए जो है वैलेंटाइंस डे अभी इस बार सबसे स्पेशल चीज़ क्या हो रही है कि थर्टीनथ को महाशिवरात्रि है तो मैं रात को यहाँ से शूट करके जाने वाला हूँ पूजा के लिए तो मैं पूजा में बैठूँगा एंड शिवजी की पूजा खत्म करके फिर दिन अगले दिन फिर शूट पे आ जाऊँगा और उसके बाद जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनसे मिलने का मेरा कुछ प्लान है एज सच अगर प्यार वाइज बोला जाए या ये बोला जाए कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ या आ, कोई है मेरी लाइफ में तो हाल फिलहाल कोई ऐसा नहीं है और जिस दिन ऐसा होगा डेफिनेटली मैं नाम लेके और उस चीज़ के बारे में बात करूँगा तो जी, जी 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 आप बोलिए अच्छा या चाइल्ड एक मैं हमारे गांव में गया था तो गांव में मेरे दादाजी का कुछ फंक्शन था तो उस फंक्शन में एक पड़ोस के गांव की लड़की आई थी इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट और फिल्मी काइंड ऑफ अ स्टोरी यू कैन से सो वो लड़की वहाँ आई और शी वॉज लाइक खाना खाने बैठी थी एंड आई वॉज सर्विंग दैट टाइम सो जैसे ही मैं वहाँ से निकला मैं आगे जाके फिर वापस आया एंड वैन आई सॉ हर इट वॉज लाइक वाओ मतलब आई गॉट स्टक ऑन हर और उसको देख के मतलब बहुत खूबसूरत है तो बचपन में वो मेरा क्रश थी और उसके लिए मैं मतलब मेरे शहर से गांव आया करता था उससे मिलने के लिए उसको देखने के लिए अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर बहुत जल्दी शादी वादी हो गई थी तो दिल टूट गया था बहुत ही बट वो मेरा पहला पहला एक एक्सपीरियंस था नहीं उसको पता नहीं है उसको पता नहीं है। तो वो देख भी रही होगी तो उसको नहीं पता चलेगा कि क्या है हाँ जिसको पता है और जिसके बारे में जो क्रश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रश था मेरे कॉलेज का क्रश वो कॉलेज का क्रश जो मेरा था क्रश नहीं इनफैक्ट दैट पोज शी वॉज माई गर्लफ्रेंड और uh, हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया बाकी तो अलग बातें हैं बट हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक क्रश ऐसा था कि वेन आई आई देट वॉज फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड मैं प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो वो सब खत्म करके मैं आया था और नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था मैं जैसे ही कॉलेज शुरू करने गया तो पंद्रह बीस दिन हो चुके थे कॉलेज शुरू हुए मैं पहुँचा पहुँचने के बाद जैसे ही आई वॉज अ लास्ट वेंचर सो वो लड़की लड़कियों का जो आ, जो सेक्शन uh, था उस सेक्शन में वो बैठी हुई थी लास्ट ही लास्ट में तो आई जस्ट नोटिस द गर्ल हु इज एंड हु वेयरिंग दैट वाइट एंड रेड कलर का सूट आई जस्ट यार समी इज लुकिंग नाइस फ्रॉम द बैक आज सिटिंग एंड जो बाल दिख रहे थे और ये सब सो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ बोला होगा और वो पलटी और जैसे पलटी और मैंने उसको देखा और देखने के बाद वो मतलब बस हो गया पहली पहली नजर वाला पहला प्यार जो होता है वो वो हुआ और फिर देन उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हमारा रिलेशन रहा है छः साल के आसपास का रिलेशन था सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरी विच आई हैव इन माय लाइफ एज अ क्रश और एज अ लव आई कैन से सो जितना भी कुछ आज कर रहा हूँ या जितनी भी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स वो प्यार भी मैं साथ में लेकर आया हूँ

<laughs> फिर आई डोंट हैव एनी बडी तो वो भी नहीं हो पाएगा फिर क्या बचा सो द मोस्ट थिंग विच आई लव इज़ माई वर्क सो काम मैं कर रहा तो डेफिनेटली so उसका तो जस्टिफाई हो गया कि चलो काम कर रहे हैं तो उसको वो कर लिया मैंने बट तो शाम को जब मैं बाहर निकलूँगा तो जितने भी मेरी फीमेल फैंस हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे कि मैं बहुत क्लोज हूँ उनके साथ में मैं, मैं बैठूँगा उनको ट्रीट दूँगा उन उनके साथ मैं इन्जॉय करूँगा हाँ अगर उनके बॉयफ्रेंड नहीं है या उनके द स्पेशल वंस अगर उनको अलाउ कर देंगे तो बाकी एज सच ऐसा कुछ प्लान नहीं है बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो स्पेशल लाइक सम फैन मीट और समथिंग आई वांट वॉन्ट टू डू के सोशल uh, मीडिया पे ही कुछ लाइव uh, आके या कुछ ऐसा सेशन करूँ सबके साथ में कि कौन uh, सबसे ज़्यादा प्यार करता है मुझसे या कौन ऐसा करता है तो ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ लेट्स सी अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया है क्योंकि मेरे हमेशा जो भी प्लान होते हैं बहुत सडन होते हैं और बहुत सरप्राइज uh, कर देने वाले होते हैं। हाँ स्पेशल मैसेज ये है कि चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली बिकॉज इट इज अ वेरी प्रीशियस डिसीजन ऑफ योर लाइफ बिकॉज अपनी ज़िंदगी की जब बात आती है तो अपनी सारी चीज़ों को आप एक लड़की अपनी आइडेंटिटी छोड़ के एक दूसरे की आइडेंटिटी को अगर एक्सेप्ट कर रही है सो so, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत ही वाइज हो के बहुत सोच समझ के वो फैसला लेना चाहिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए बात है क्योंकि लड़के को भी पूरी ज़िंदगी उसके साथ में गुजारनी है और एक लड़की चाहे तो पूरे परिवार को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है और एक लड़की चाहे तो उसे ही बिखेर सकती है सो मेरा यही मैसेज है कि

ंग मी ऑन लहरान लहरे सॉरी एवरी टाइम आई सेट दैट बट लहरे ना ओनली लहरे न्यूज भी नहीं सो हैपी वैलेंटाइंस डे टू एवरी वन मेरी दशा देख के समझ में आ रहा होगा कि वैलेंटाइंस कैसा मन रहा है मेरा क्योंकि आई एम शूटिंग सम सीक्वेंस तो उसके लिए है बट एनी वेज यू एंजॉय है लव यू ऑल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लहरे ओके बहुत बहुत uh, खूबसूरत इंसिडेंट हुआ इनफैक्ट बहुत रिसेंटली और शी इज वेरी क्लोज टू मी ऐसा नहीं है और नो लेट इट बी बट बट एंड शी इज वेरी क्लोज टू मी डेफिनेटली वो एक वैसा है कि एक ऐसे टाइम पे शी वॉज देयर वैन नो बडी वॉज अराउंड एंड शी वॉज देयर फॉर मी एंड हेल्प मी सो मच Uh, from different different perspectives of life, so in my life, I'm just so blessed and thankful to God that He has given me such good people in my life, and especially females like i i am blessed with good people around me because i don 't know why but uh, and uh, I want to say that uh, i appreciate whatever you did and i always be there for you so just uh, my all of my love and all of my best wishes and happiness for you